वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी की 14वीं वार दे विच्चों 15वीं पौड़ी दे विच उन्होंने रबाब का जिक्र किया है कि किवें रबाब बनती है ते किस तरह अकाल पुरख का कीर्तन करने लई रबाब का उपयोग जिहड़ा हुंदा आ। उन्हां दी वार शुरू हुंदी है, चंगा रुख वढाए रबाब कढ़ाया। चंगा रुख वढ लिया ते उहदी रबाब बना ली। शेली होए कुहाए मास वंडाया, चटकई ने बकरा वढ लिया, सारे मास लैण वाले उहदे कोलों मास लै गए, उहने मास वंड दित्ता। अंदरों तार बनाए चम मढ़ाया, सिर्फ ओदियां बजियां आंदरां ओदियां नाड़ां उन्हां नूं साफ करके ओदियां तारां बनाईयां गईयां अते चमड़े दा जिहड़ा मड़ है ओदी रबाब दा पड़दा बना के मड़ लिया। साध संगत विच जाए नाद वजाया, साध संगत दे विच जा के रबाब दा नाद रबाब दी आवाज छेड़ी गई। राग रंग उपजाए शब्द सुनाया, राग दे रंग भर के अकाल पुरख दी बाणी दा गायन होया, अकाल पुरख दी बाणी दा गायन कीता गया। सतगुर पुरख ध्याए सहज समाया, अपने सच्चे अकाल पुरख नूं याद करदिआं सहज समाध दी अवस्था दे विच गुरसिख पहुंच गए। राग रंग उपजाए शब्द सुनाया, सतगुर पुरख ध्याए सहज समाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।